दोस्तों, स्टार प्लस का स्टार परिवार गणेश महोत्सव 2020 इस बार भेदी खास और यादगार रहा। यही नहीं, स्टार प्लस की शो ने इस बार की गणेश चतुर्थी को भी खास और यादगार बना दिया। जी हां, आपको बता दें कि स्टार परिवार गणेश महोत्सव 2020 को खास और यादगार बनाने में टीवी सीरियल रामायण की स्टार कास्ट का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। बता दें कि इस शो के मंच पर टीवी के राम जी और सीता जी यानी अरुण गोविल साहब और दीपिका चिखलिया जी ने शिरकत की थी। और दोस्तों, टीवी इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि राम जी और सीता जी ने एक साथ एक मंच पर डांस किया। जी हाँ, टीवी के राम जी और सीता जी के डांसिंग परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। शो के मंच पर अरुण गोविल साहब और दीपिका जी की डांसिंग प्रस्तुति बहुत ही शानदार और लाजवाब रही। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक वजह से फैंस का दिल जरूर टूट गया। जी हाँ, आपको बता दें कि रामायण के पॉपुलर सितारों में आज भी उनकी स्टारडम में कमी नहीं आई है। आज भी लोग इन्हें उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना पहले देते थे। रामायण के मुख्य किरदारों में नजर आने वाले राम यानी अरुण गोविल साहब, सीता जी यानी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण यानी सुनील लहरी को लोग आज भी पूजते हैं और इन तीनों को साथ में देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे रियलिटी शोज हो या इनका इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों, स्टार परिवार गणेश महोत्सव में शो के मंच पर केवल राम और सीता जी ही नजर आए, जबकि लक्ष्मण जी यानी सुनील लहरी को उनके फैंस ने बहुत मिस किया। शो के मंच पर राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी को न देखकर उनके फैंस जरूर मायूस हुए होंगे, जरूर उनका दिल टूटा होगा। जी हाँ, क्योंकि फैंस ने हमेशा तीनों को साथ ही देखा है और देखना चाहते भी हैं। वैसे दोस्तों, राम जी और सीता जी की इस प्यारी सी परफॉर्मेंस में लक्ष्मण जी को साथ में न देखकर आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।